तो चलिए मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस जगह के बारे में। हम डिगलीपुर बाज़ार से रामनगर बीच की ओर निकल चुके हैं। आपको रास्ते में टोटल 3 पंचायत मिलेगा। सबसे पहले आपको नवग्राम पंचायत मिलेगा, उसके बाद कालीघाट पंचायत, उसके बाद लास्ट में रामनगर पंचायत। रामनगर पंचायत के अंतर्गत ही आपको रामनगर बीच मिलेगा जो एकदम लास्ट में है, आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आएगा वहाँ से हम कल्पोन डैम जा सकते हैं जो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है अंडमान में एकमात्र। फाइनली हम रामनगर बीच के एंट्रेंस तक आ चुके हैं। यहाँ से आपको पैदल भी आप जा सकते हैं और गाड़ी में भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको 5 मिनट लगेंगे। अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको 15 मिनट लग सकते हैं। अगर आप पैदल चलेंगे तो यहाँ से एक तरह का आपको ट्रैकिंग हो जाएगा। आप पेड़ पौधे देख सकते हैं यहाँ पे अंडमान में जो पाया जाता है। यहाँ से आप जाएंगे उसके बाद ही आपको बीच मिल जाएगा। तो आइए हम सामने देखते हैं। चुके हैं रामनगर बीच में और अब हम गाड़ी से उतरेंगे। हम लोग 17 लोग आए हैं घूमने के लिए रामनगर बीच। अब गाड़ी से उतर के आपको दिखाएंगे बीच में क्या है। तो सबसे पहले हमारा आदेश भाई और हम लाइन से, देखिए हमारा फ्रेंड सब लाइन से आ रहे हैं।
बाहर और सामने एक बंदा है, वो काउंट कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद हम अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं सामने बहुत लोग एंट्री कर भी रहे हैं। तो ये है, फाइनली हम रामनगर बीच पहुँच चुके हैं। हट वगैरह दिखाएंगे हम आपको, भीतर बहुत सारे हैं और सामने भी है, देखिए यहाँ पे। और ये वेलकम बोट रामनगर बीच का। और इस तरफ राइट साइड में पार्किंग प्लेस है बाइक रखने के लिए, तो यहाँ पे सब बाइक रखते हैं। और इस तरफ पीछे तरफ देखिए, वहाँ पे कार मतलब फोर व्हीलर रखने का जगह है। अब वहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करके उसके बाद अंदर जा सकते हैं। और देखिए हम अब अंदर आ चुके हैं। और चलिए सामने जाके हम आपको दिखाते हैं अंदर का व्यूज़। आइए देखते हैं। बहुत सुंदर प्लेस, बहुत सारे हट बनाए हैं यहाँ पे। आप देख सकते सारे हट फुल थे, फिर भी यहाँ कुछ कुछ हट खाली है। बहुत ही प्यारा दृश्य रामनगर बीच का। अगर आप दिगलीपुर आते हैं नॉर्थ साइड, तब ज़रूर आइएगा रामनगर बीच। और सुंदर, बहुत ही बढ़िया बनाया, देख सकते हैं। बहुत सारा बैठने की जगह है यहाँ पे और लोग स्विमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे स्विमिंग अलाउड है, रेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। आइए रामनगर बीच और बीच का आनंद लीजिए।
आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बीच। आप उस छोर से लेके इस छोर तक अगर आप चल के आते हैं तो आपको अराउंड हाफ एन आवर लग जाएगा। बहुत ही बड़ा बीच है, यहाँ पे बैठने का बहुत सारा जगह है, बहुत सारा हट है। तो अब वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा प्लेस दिखाया है, बैठने का जगह, स्विमिंग करने की जगह और चेंजिंग रूम। बट यहाँ पे कुकिंग अलाउ नहीं है, कुकिंग अलाउ नहीं करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, आप कुकिंग नहीं कर सकते हैं। बट बाहर से पार्सल लेके आइए और पार्सल का आनंद बीच में बैठ के ले सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो कछुआ है अंडमान में, इस बीच में जो आते हैं वो कछुआ आके अंडे वगैरह देते हैं यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग उसे वहाँ से लेके आके इस जगह पे हैचिंग के लिए डालते हैं। आप देखिए अंदर इस तरफ बहुत सारा हैचिंग के लिए डाले थे और निकाल के इसको बच्चा जब निकल जाता है अंडे से उसको लेके छोड़ देते हैं डिपार्टमेंट के लोग ही। तो इस तरह दो सेट बना के रखे हैं इस बीच में। अंदर तो अभी है नहीं बट आपको हम दिखाते हैं। हाँ इस तरफ देखिए तीन है, आप देख सकते हैं तीन जो लगा के रखे हैं, तीन मतलब कछुआ के अंडे तीन जगह पे लगा के रखे हैं उन लोग। वो वहाँ से जब बच्चे आएंगे तो उसे लेके पानी में इन लोग छोड़ देंगे। और इसी तरह और एक है देखिए येलो कलर का फैंसी करके रखे हुए हैं, वहाँ पे भी लेके आके इन लोग हैचिंग वगैरह करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। और अब हम रामनगर बीच के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, यहाँ से हमें बाहर जाना है। तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखे हैं, जैसे टर्टल के कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंडे किस तरह वो देते हैं और वगैरह वगैरह। तो आपको इस बोर्ड, तीन बोर्ड लगा है यहाँ पे, तीन से चार बोर्ड लगा है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कितने टाइप के टर्टल आते हैं, किस किस जगह से आते हैं और अंडे कैसे देते हैं, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ डिवीज़न मायाबंदर इंफॉर्मेशन ऑन सी टर्टल्स, इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो ड्यूटी पे रहते हैं आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपको सब बता देंगे इस कछुए सी टर्टल के बारे में। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम आए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा हमें सारे दोस्तों के साथ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं रामनगर बीच से। कमेंट ज़रूर करिए और बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए बाबा रंजन ब्लॉग्स।